नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैलेंडर किस तरीके से डिजाइन करते हैं। कैलेंडर आप लोग मेरे थंबनेल में देख करके जान गए होंगे कि किस तरीके से मैं आज बताऊंगा और कौन सा डिजाइन बता करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ये कैलेंडर है, जनवरी 2022 का कैलेंडर है। इसको मैंने डिजाइन कर किया है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और इसी तरीका का एक कैलेंडर मैं MS Word में आपको बना करके दिखाऊंगा और देखिए कितने आसानी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि कैलेंडर को बनाना सीखना चाहते हैं तब हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस तरीके से मैं बनाता हूं। तो सबसे पहले ये जो आप कैलेंडर देख रहे हैं, सेम टू सेम हूबहू इसी तरीके से मैं कैलेंडर बना करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और क्रिएट करते हैं इस तरीके से। इसको होने के बाद ये 100 पे रहेगा। आपको करना क्या है कि इस पेज लेआउट पे आइए और यहाँ देखिए ओरिजिनेशन लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है और यहाँ लाइट स्केप में क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, जूम आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये छोटा दिखेगा। इसके बाद होम पे आना है, यहाँ देखिए होम। इसके बाद अब मेन काम जो है इसको यहाँ से करना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, इंसर्ट में आइए। इंसर्ट में आने के बाद देखिए शेप, यहाँ पास देखिए शेप है, शेप में आइए और इसको लीजिए। इसके बाद लेने के बाद इसको यहाँ पास से एक शेप बनाइए, इस तरीके से एक शेप बनाइए। यहाँ पास मैं बना चुका हूँ। अब इसमें क्या करना है, इसका फिल करना है, कुछ अच्छा सा कलर इसमें फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल ब्लैक करता हूँ, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि ग्रेडियन लगाऊँ। तो ग्रेडियन लगाने के लिए यहाँ देखिए शेप फॉर्मेट सेल में आपको यहाँ शेप फिल दिख रहा है, फॉर्मेट सेल में शेप फिल इस पे आना है और यहाँ पे देख ग्रेडियंट है, इस पे ग्रेडियंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो इसमें कर लीजिए, या मोर पे क्लिक करके जो आपको अच्छा लगे उसको ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से कलर वालर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको फिलहाल अभी इसी को ले लेता हूँ इस तरीके से और इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ये अच्छा नहीं दिख रहा, इसको कर लेता हूँ, इसको इस ये कलर ठीक रहेगा या तो फिर ये कलर, ठीक है। अब इसी में हम लोग ग्रेडियंट लगाएंगे इसमें, ये देखिए अच्छा सा दिखने लगा। अब इसका जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, इस यहाँ पास लेके माउस के कर्सर को लाइएगा तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। इस तरीके से हम करेंगे इसको बड़ा और इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे यहाँ पास इस तरीके से, ठीक है, और इधर मूव कर लेंगे। ये हो गया। इसके होने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, जो इसके पास आउटलाइन है उसको आउटलाइन को ख़त्म करेंगे। तो आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पास शेप आउटलाइन पर आइए और नो आउटलाइन पर क्लिक कीजिए तो ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए पूरा पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो सर्कल बनाना है। यहाँ पे एक सर्कल था, इंसर्ट पे आइए, शेप पे आइए और इस सर्कल को लीजिए, ठीक है, और शिफ्ट बटन को क्लिक किए हुए इसको इस तरीके से सर्कल बनाइए। देखिए इस तरीके से हम सर्कल बना रहे हैं शिफ्ट बटन को क्लिक किए हुए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, सेंटर पर इस तरीके से रख दीजिए और यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए इस सर्कल को और फिर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है, और शिफ्ट के साथ में इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए इस तरीके से। इसको छोटा करने के बाद ये देखिए अच्छा सा दिखने लगा, इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब इसमें हमको इमेज लाना है। इमेज लाने के लिए फॉर्मेट सेल पे देखिए, यहाँ फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट सेल पे आइए, शेप में आने के बाद यहाँ शेप में आइए, शेप में आने के बाद नीचे देखिए पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर है, इस पिक्चर पर क्लिक कीजिए और आपके पास जो भी पिक्चर है उसको ले लीजिए। मैं फिलहाल इस मॉडल का पिक्चर को ले लेता हूँ और इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके आउटलाइन को भी ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से आउटलाइन को इस तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अब ये नीचे वाले को ले लेते हैं, नीचे वाले को लेने के बाद एक इसमें कलर दे देते हैं, कोई अच्छा सा कलर इसी को कलर दे देते हैं और इसका भी आउटलाइन को हम यहाँ से सेफ आउटलाइन में आने के बाद नॉट आउटलाइन में कर देंगे। देखिए अच्छा सा दिखने लगा। इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हम जनवरी का पेज बना रहे हैं तो हम सबसे पहले यहाँ तो कौन सा वर्ष है, कौन सा सन का बना रहे हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद शेप, शेप में देखिए यहाँ पास टेक्स्ट टूल है ना, यहाँ पे टेक्स्ट टूल, इसको लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पास लिखिए 2022। इसके बाद होम टैब में आइए और इसके टेक्स्ट को बढ़ा लीजिए। मैं यहाँ फिलहाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको बड़ा कर देता हूँ तो फिलहाल 48 ये ठीक रहेगा। इसको बोल्ड कर देते हैं, कोई अच्छा सा फॉन्ट दे देते हैं इसको, कौन सा फॉन्ट दिया, इसको दे देते हैं, ये अच्छा दिख रहा है। तो अभी देखिए इस तरीके से दिख रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे, फॉर्मेट सेल में आने के बाद शेप, शेप जो है नो फिल, ठीक है, नो फिल कर दिए। इसका कलर है जो टेक्स्ट का कलर, देखिए
अभी आपको ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है ना, ये आपको बॉर्डर टाइप में दिख रहा है, तो इस बॉर्डर को हमको हटाना है। ये जो 2022 के किनारे पे देखिए आपको दिख रहा है बॉर्डर, इस बॉर्डर को हमको हटाना है। तो इस बॉर्डर को हटाने के लिए फॉर्मेट सेल में आएंगे। फॉर्मेट सेल में आने के बाद फॉर्मेट सेल इसके बाद यहाँ पास देखिए सेव आउटलाइन, इसको भी नन कर देंगे। देखिए इस तरीके से हो गया। इसके बाद इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर कुछ चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग रेड कर देते हैं। अच्छा दिखा नहीं दिखा तो यहाँ पे हम लोग वाइट करते हैं, ये सबसे सुंदर दिखेगा। देखिए अभी सुंदर दिखा इस तरीके से। अब इसको हम चाहते हैं कि कुछ नीचे ले लाए, तो यहाँ इस तरीके से हम यहाँ नीचे ले लाते हैं। अब इस तरीके से हो गया। अब हमको यहाँ पर जनवरी लिखना है, तो जनवरी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद सेव टूल में आने के बाद इसको ले लेंगे, सॉरी सेव टूल नहीं, इसमें हम लोग टेक्स्ट टूल को लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट टूल को लेने के बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए हैं, अब इसमें हम लिखेंगे जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए हमारा जनवरी लिखा गया, ऑटोमेटिक ले लिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, होम टैब में आएंगे और इसका फॉन्ट साइज हम लोग बड़ा कर देंगे। तो मान लीजिए 72 कर दिए, इसको बोल्ड कर देते हैं, नहीं होता तो कुछ अच्छा सा ये फॉन्ट दे देते हैं। ठीक है, अब इसका जो आउटलाइन दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो फॉर्मेट सेल में आइए, इसका शेप को जो है उसको नन कर दीजिए, और जो इसका आउटलाइन है इसको भी आप नो आउटलाइन कर दीजिए। ये देखिए ये अच्छा दिखने लगा। इसे कोई कलर दे देते हैं हम लोग, तो इसका फिलहाल कलर हम दे देते हैं इसको, ये देखिए अच्छा सा दिखने लगा। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मेट में आने के बाद आ जाइए और इसका एक अच्छा सा शेप दे देते हैं, कुछ सुंदर सा शेप। ये देखिए ये वाला शेप आपको अच्छा दिखा। इसके बाद हम लोग इसका कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर को चेंज करने के लिए टेक्स्ट टूल में आइए और इसको कलर इस तरीके से दे दीजिए। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको कोई दूसरा कलर दे देते हैं, इसको देते हैं, देखते देखते हैं। ये ज़्यादा डार्क है तो थोड़ा इसको ले लेते हैं, ये भी थोड़ा डार्क है, इसमें पीला अच्छा दिखेगा। ये देखिए अच्छा दिखा, थोड़ा सा इसका बढ़ा लेते हैं आउटलाइन को, सॉरी इसका शेप को इस तरीके से, अब अच्छा दिखने लगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको इस तरीके से करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे सेंटर, ये वाई छूट गया था इसलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, डेट मतलब 1, 2, 3 तारीख इस तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद टेबल लेंगे, टेबल में हम लोग क्या लेंगे, 7x7 का लेंगे, यानी 7 कॉलम लेंगे और 7 रो लेंगे। ठीक है, तो 7 कॉलम और 7 रो लेंगे और ओके करेंगे इस तरीके से। देखिए ये यहाँ पे आ गया, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको हम ले लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ले लाएंगे और इसको हम लोग खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा आ गया नीचे, इसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेड में चला जाता है इस तरीके से, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको इधर कर लेंगे, थोड़ा सा शेप में चढ़ जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो दिन होता है 7 दिन सप्ताह का, 7 दिन को हम लोग यहाँ पास लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पे लिखेंगे SU से हो गया संडे, MON से हो गया मंडे, TU से हो गया ट्यूसडे, WE से वेडनेसडे, TS से थर्सडे, और इसके बाद थर्सडे हो गया। इसके बाद यहाँ पास लिखेंगे हम लोग संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसके बाद फ्राइडे। ठीक है, FR से फ्राइडे हो गया, इसके बाद हम लोग क्या हो गया सैटरडे। ठीक है, SA से सैटरडे, इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से तारीख शुरू करेंगे, क्योंकि जनवरी का हमारा यहाँ से शनिवार से शुरू हो रहा है ना 1 तारीख, तो यहाँ पास हम लोग कितना लिखेंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे वहाँ लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए यहाँ पास हमने 30 तारीख तक बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग टोटल को सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट को हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं। ये फॉन्ट अच्छा दिख रहा है,
और इसका साइज को भी कुछ हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इतना 22, ये देखिए यहाँ तक अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद टोटल को सेलेक्ट किए हम लोग इसको, अब अच्छा थोड़ा दिख रहा है तो इसको हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आएंगे डिजाइन में, देख लीजिए यहाँ। इसके बाद यहाँ पास डिजाइन में आने के बाद देखिए यहाँ पास बॉर्डर है, बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए नो बॉर्डर है, इस पर नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए और फिर से इसी बॉर्डर पे आइए और यहाँ देखिए बॉर्डर एंड शेपिंग, इस पर क्लिक करना है और इसका कुछ कलर दे देते हैं हम लोग। मान लीजिए खड़ा लाइन बनाना है, इसके बाद ये देखिए सेंटर वाला बोलेंगे इस तरीके से, तो बीच में खड़ा खड़ा लाइन आएगा, ठीक है। तो ओके कर देते हैं इस तरीके से, अब देखिए अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जितना भी संडे है, जितने भी तारीख आ रहे हैं संडे तारीख यानी इतवार, उसको हम लोग कोई अलग कलर दे देते हैं, तो उसका हम लोग रेड दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से रेड दे दिए। अब 26 तारीख भी हमको लग रहा है कि को कुछ त्यौहार वार होगा, इसलिए 26 तारीख को भी ले लेते हैं एक, और एक तारीख, ठीक है, एक तारीख को भी हम लोग रेड कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए कितना खूबसूरत दिखने लगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रचार वचार अगर आपको लगाना है खुद का, तो मान लीजिए यहाँ पास लगाना है तो उसको लगाएंगे कैसे, तो यहाँ इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आने के बाद सेव टूल, सेव में आइए टेक्स्ट टूल, इसको लीजिए। टेक्स्ट टूल को लेने के बाद इस तरीके से आप एक ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए अपना जो भी होगा प्रचार करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ CG सदाम कंप्यूटर, ठीक है, YOUTUBE CG सदाम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा साइज को बड़ा करेंगे, तो 48 ठीक रहेगा, 48 को कर देते हैं और यहाँ बोल्ड कर देते हैं कुछ, इसमें फॉर्मेट ये ले लेते हैं टेक्स्ट इस टाइप से, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा फॉन्ट हो जा रहा है 48, तो इसमें हम लोग 28 तक ठीक रहेगा, ठीक है। लेने के बाद इसको कुछ इधर कर देंगे इस तरीके से, कुछ यहाँ पे इस तरीके से, YouTube को नीचे कर देते हैं, अच्छा रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि पूरे को सेलेक्ट करेंगे और मार्जिन सेंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर सेंटर में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर करके इस तरीके से कोई कलर दे देते हैं, अच्छा सा कलर। ये देखिए फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, इस फॉन्ट को हम लोग लगा देते हैं। अब देखिए ये जो लाइनिंग आ रहा है, इसको हम लोग हटाने के लिए फॉर्मेट सेल में आएंगे और जो ये हमारा सेफ फिल है इसको हम लोग नो फिल कर देंगे और जो हमारा आउटलाइन है आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए कि कितना खूबसूरत था 2021 जनवरी का पेज हमने बना दिया कैलेंडर। इसी तरीके से आप फरवरी मार्च अप्रैल किसी का भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाता हूँ और कंप्यूटर को ही सिखाता हूँ, मेरा मेन काम है कंप्यूटर सिखाना। और जो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो अभी बिना देर किए हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।